Welcome back to Little Critters and India. तो गैस आज हम करेंगे draw and eat challenge और आज मैं सुबह इसीलिए उठ गया हूँ और आज अभी तो breakfast का time हो गया, 10 बज चुके हैं, तो चलो कुछ draw करते हैं। और draw and eat challenge का मतलब जो भी मैं draw करूँगा मैं वही खाऊँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गैस मुझे तो breakfast में वड़ा पाव खाना बहुत पसंद है, तो मैं वड़ा पाव draw करने की कोशिश करता हूँ। को देख पता नहीं अच्छा नहीं गया, खराब बनेगा। बर्गर ना बना दूँ, मेरे को वड़ा पाव खाना है। वैसे भी ब्रेकफास्ट में कौन बर्गर खाता है भाई, अच्छा बन जाए। तो गाइस जल्दी से मैं इसे ड्रॉ करता हूँ। तो गाइस मैंने ड्रॉ तो कर लिया है, आप लोग बताना कैसा ड्रॉ किया है। सो गाइस ये रहा मेरा, मैंने 6 मिनी वड़ा पाव ड्रॉ किए हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो बताना, मुझको तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। सो अब हम अनविका को बुला के उससे पूछवाते हैं कि ये है या नहीं। अनविका इधर आओ जल्दी से। और ये रही गाइस, ये तो ये बताओ कि इसमें मैंने ये क्या ड्रॉ किया है। ये बनाया है, इसी बनाया है, उसके अंदर बर्गर डाल दिया है। बर्गर डाल दिया उसके अंदर बर्गर है? नहीं बर्गर तो, बर्गर में गोल क्या होता है यार, क्या है ऐसा, कौन सी चीज होती है। बट मैंने बहुत गंदी ड्राइंग की है सब्जी का, समझ में नहीं आ रहा। अरे यार मैं जल्दी आलू टिक्की। गाइस ये तो गैस नहीं कर पा रही, तो मैं इसे वड़ा पाव तुमने खाए हैं उसे? अरे नॉर्मल वड़ा पाव जिसके साथ मिर्ची आती। देखिए मेरे को मेरा फेवरेट वड़ा पाव, एक तो मैं सोच रहा मैं गेस कर पाऊंगी, मेरे को लग रहा है बड़ा। गाइस ये वड़ा पाव नहीं है, ये है 6 मिनी वड़ा पाव। वही तो गाइस, ये तो थे 6 मिनी वड़ा पाव, ये मिनी यहाँ पे भी है। तो गाइस हमने ऑर्डर तो कर दिया है, अब देखो कब आता है। और अभी टाइम तो 10:30 हो रहे हैं, तो देखते कब आता है। तो गाइस ऑर्डर तो हो गया, अभी 15-20 मिनट तो लगेंगे आने में, ठीक है, तो तब तक वेट करते हैं। वैसे गाइस मेरी ड्रॉइंग इतनी भी खराब नहीं है, मैंने तांजीरो ड्रॉ किया है, देख सकते हैं आप, मस्त। आप लोगों को कैसी लगी बताना, देख सकते हैं गाइस। सो गाइस फाइनली हमारा वड़ा पाव आ चुका है, 11 बज चुके हैं, काफी दूर। तो ये रहा हमारा वड़ा पाव, इसे हम खोल लेते हैं, अंदर से खोलना भी नहीं है। ये आ गए, अबे इतने मिनी वड़ा पाव है क्या, देखते हैं गाइस इसे खोल के, यहाँ से खोलते हैं, खोलो खोलते हैं। हाँ ये भी यहाँ से ना ऐसे, तो गाइस जल्दी से खोलते हैं हम। गाइस इतने छोटे छोटे वड़ा पाव और बहुत बड़ा मिर्चा, गाइस वड़ा पाव से बड़ा तो मिर्चे हैं। तो गाइस इतनी मिनी वड़ा पाव, छे तो जल्दी से उठाते हैं यार, छींक क्यों आ रही मुझे। ये रहा गाइस वड़ा पाव, अरे ये तो इतने छोटे मैं वैसे गाइस अच्छा काफी है, मुझे भी खा लिया। गश काफी बढ़िया है, और ऐसा भी नहीं है कि मिनी है तो इसमें टेस्ट चला गया। तो हम जल्दी से खा के एंजॉय करके आपसे मिलते हैं गाइस। सो जैसे वड़ा पाव दिख रहे थे वैसे थे नहीं गाइस, मैंने ना मैं सोचा छोटे हैं एक बार में खा लूंगा, गाइस नीचे से इतने मोटे, भाई साहब मेरा तो एक में ही पेट भर गया, पर मैंने किसी तरह दो खाए। अब गाइस 11 बज चुके हैं भाई, मेरा पेट फुल है, तो मैं लंच तो 2 बजे ही करूंगा, तो आपसे लंच टाइम पे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस अब दोपहर हो चुका है और मेरी आंखें अब आपको ज्यादा खुली लग रही होंगी, क्योंकि अब मैं नींद में नहीं हूँ। और अभी बज चुके हैं गाइस 2:17, और फिर और मेरा अब खाने का मन कर रहा है कुछ, जो मेरे को खाने का मन कर रहा है अभी चाप, वो वेज पंजाबी स्पाइसी चाप, तो मैं उसकी ड्राइंग करता हूँ और देखते हैं। तो गाइस अब मैं चाप की ड्राइंग बनाना शुरू करता हूँ।
सो गाइस मेरी ड्राइंग बन चुकी है और ये मैंने वो जो प्लेट आती है, प्लेट नहीं जो पैकेजिंग में वो आता है कटोरा ऐसा वो है, और ये दो चाप है, ये ओनियन है, ये चाप है, और ये शिमला मिर्च कैप्सिकम है, और ये भी चाप है। और ये बहुत ज़्यादा घटिया ड्राइंग बनाई है मैंने, तो बताना आप लोगों को कैसे लगी और आपको समझ में आ रहा है चाप है या नहीं। भाई खाने की ड्राइंग करना यार मुश्किल लगा इस, तो अब मैं जल्दी से चाप ऑर्डर करता हूँ अगर है ना गाइस। तो ये है मेरी चाप की ड्राइंग। सो चाप ऑर्डर करने से पहले, तो उससे पहले मैं अपनी बहन से पूछ लेता हूँ इसको ये समझ में आ रहा है या नहीं कि क्या है, तभी मैं खाऊंगा। तो मिन्नी बताओ ये क्या है। तो ये है, रुक जाओ, चिकन नगेट्स। चिकन नगेट्स नहीं है, रुक जाओ, ये एक कप, उसके अंदर बहुत सारे आइसक्रीम है। नहीं ये वो भी नहीं है, कटोरी है एक, ठीक है, और इसके अंदर है बहुत सारे टॉफीज। टॉफीज ऐसे, अच्छा इस बॉल के अंदर बहुत सारी आइस है। आइस, आइस कौन खाता है। तो ये है कुछ, क्या बनाया कुछ समझ में नहीं आ रहा, जोगेस कर ले रहा था। आई थिंक सो कुछ खाने का है ना। हाँ खाने का ही है। काके होटल का है। नहीं नहीं, अब चाप। हाँ कौन सी चाप। अब मलाई चाप। मलाई चाप नहीं, पंजाबी स्पाइसी चाप। हाँ वही है मेरी फेवरेट वाली। यस मेरी। तो ये क्या है चाप। ये अच्छा, ये चाप। ये ऑनियन, ऑनियन जैसा है ना। हाँ थोड़ा थोड़ा। और ये थोड़ा थोड़ा ये चाप। ये कैप्सिकम। कैप्सिकम पता चल गया ना, ऑनियन में ऐसा होता है, कैप्सिकम में ऐसा। और ये चाप। चाप है वैसे, चाप नहीं लग रहा, पनीर लग रहा है। हाँ वैसे पर बस कलर नहीं है ना, वरना इसको मैं ऑरेंज कर देता, इसे मैं पिंक कर देता, इसे ग्रीन कर देता है ना। तो गाइस मेरी बहन को समझ में आ चुका है कि मैंने पंजाबी स्पाइसी चाप बनाई थी, तो फिर अब जल्दी से चाप ऑर्डर कर देते हैं। तो मैंने कर देता हूँ, मैं नहीं मेरे पापा करेंगे। सो गाइस चाप आ चुकी, सो वो ये रही, हम मैंने सीजर्स ले लिया है ताकि मैं इसे जल्दी से खोल लूँ। सो गाइस ये रही चाप जिसके ऊपर मैंने हरी चटनी डाली है, और यहाँ पे देख सकते हो पैक डली हुई नहीं आती। और ये रहा जो मैंने ऑनियन ड्रॉ किया था, और ये रहा कैप्सिकम, और ये तो है ही चाप। तो मैं जल्दी से खा के बताता हूँ। खाता हूँ गाइस मैं फाइनली मेरी लजीज चाप, आप देख सकते हैं। गैस बेस्ट है, और मिन्नी खा रही है। सो गैस मिन्नी ने भी खाया और उसको भी बहुत अच्छा लगा। तो गैस चाप खत्म करके आपसे मिलता हूँ। सो गैस मैंने पूरा चाप खा लिया। तो गैस मेरा लंच भी हो गया है भाई साहब, तो आपसे डिनर टाइम पे मिलेंगे या फिर स्नैकिंग टाइम पे। गाइस अब रात हो चुकी है और मैं बताता हूँ कितने बज गए, 8 बज गए हैं गाइस। तो अब मैं अपनी डिनर की ड्राइंग कर लेता हूँ। तो चलो गाइस शुरू करते हैं ड्राइंग करनी। खराब ना बने वैसे से, बहन को समझ में आ जाए तो ही बना पाऊँगा मैं। तो गाइस मैं आपसे बना के मिलता हूँ। तो गाइस मैंने बना ली अपनी ड्राइंग, जो कि आपको समझ आ रही है नहीं बताना। ये मैंने पिज्ज़ा बनाया है, कोक कोल्ड ड्रिंक, और ये है हमने कोक मतलब, और ये चोकोलावा। गाइस पता नहीं कैसा बना है, बट पिछले 2 से तो अच्छा ही बना है। तो गाइस बना तो लिया है, मैं अपनी बहन को बुला लेता हूँ। अनविका, अनविका क्या वो बुलाए भैया। हाँ क्या, ये मैंने बताओ क्या बनाया है। ये तो पक्का पता चले कोक है, ये चोकोलावा पिज्जा, ये ऐड हो गया। ये गैस मेरा कुछ गंदा सा बन गया था। तो गैस ये तो तुरंत ही इसने गैस कर लिया, क्योंकि गैस मैं जब भी गैस कुछ ऑर्डर करवाना होता है रात में, तो मैं पिज्ज़ा ही करवाता हूँ, तो पिज्ज़ा ये है। तो गैस अब ऑर्डर कर लेता है। तो गैस हमारा ऑर्डर आ चुका है। तो गैस ये रहा हमारा ऑर्डर, कोल्ड ड्रिंक जो है ना ग्लास में पहले निकाल लिया, फिर ये रहा हमारा पिज्ज़ा, और फिर ये है चोकोलावा। तो जल्दी से खा के आपको बताता हूँ। तो गैस ये रहा पिज्ज़ा। तो गैस ये रहा पिज्ज़ा, बहुत गर्म है। पिज्जा तो बेस्ट है। तो गैस इसमें तो चोकोलावा ही होगा है ना गैस। तो गैस ये कोल्ड ड्रिंक मस्त है गैस, कैसे दिखाऊँ ये रही।
तो गैस अब तो मैं सिर्फ खाऊंगा और इंजॉय करके खा के मैं सो जाऊंगा, है ना गैस। तो अब आपको खाना क्या दिखाएं, तो ये मेरा चैलेंज पूरा हो गया है 24 आवर्स। मैंने पिज्ज़ा तो आपको खाते हुए दिखा दिया और चोकलावा भी खा लूँगा, कोल्ड ड्रिंक भी पी लूँगा, मैंने चाप भी खाई थी, वड़ा पाव भी खाया था। तो अगर आपको चैलेंज अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।